हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपनी इस छोटी सी क्लास में वे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आज भी हम अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम लोग भारत की महत्वपूर्ण प्रतिमाएं देखने वाले हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? तो बताइए स्टूडेंट, ए असम में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में या डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा बी गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। यह स्थान केवड़िया गुजरात में स्थित है। इस मूर्ति के वास्तुकार रामबी सुतार हैं और इस मूर्ति की ऊंचाई 182 फीट है। नदी, यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और इस मूर्ति की विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो स्टूडेंट, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है जो केवड़िया गुजरात में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्मृति की प्रतिमा किसकी प्रतिमा है? ए गोरखनाथ जी की, बी महावीर स्वामी जी की, सी नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की, डी लाचित बोर फुकन की। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्मृति की प्रतिमा किसकी प्रतिमा है? तो इसका सही आंसर होगा सी नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाथ प्रभु कैंपगोड़ा महाराज जी की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के वास्तुकार भी रामबी सुतार हैं। इसकी ऊंचाई 108 फीट है और यह स्थान बेंगलोर कर्नाटक में है। इस मूर्ति में जिस धातु का उपयोग हुआ है वह ब्रॉन्ज और स्टील से मिलकर किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ पीस शांति की प्रतिमा किस राज्य में है? तो ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी केरल में या डी मध्य प्रदेश में। स्टैचू ऑफ पीस यानी शांति की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए राजस्थान में। स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ महाराज जी की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 151 इंच है और यह स्थान राजस्थान पाली में है। इसमें जिस धातु का प्रयोग हुआ है वह प्रमुख रूप से तांबा और 8 धातुओं का संयोजन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ पीस यह श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 4 फीट है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप कि स्टैचू ऑफ पीस ये श्री जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ महाराज जी की प्रतिमा है जो राजस्थान में स्थित है और यह स्टैचू ऑफ पीस श्री रामानुजाचार्य की है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कंफ्यूज नहीं हुईगा दोनों क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की प्रतिमा किसकी प्रतिमा है? ए लाल बहादुर शास्त्री जी की, बी सुभाष चंद्र बोस की, सी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी की या डी महात्मा गांधी की। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी की। यह प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 70 फीट है और यह लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास की प्रतिमा किसकी प्रतिमा है? ए भगवान बुद्ध की, बी भगवान शंकराचार्य की, सी भगवान शिव की या डी भगवान विष्णु की। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ किसकी प्रतिमा है? इसका सही आंसर होगा भगवान शिव की। स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में स्थित एक प्रतिमा है।
जिसकी ऊंचाई 369 फीट है। इसकी विशेषता यह है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है और इसको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, स्टैचू ऑफ शिवा, विश्वास स्वरूपम, और यह नाथद्वारा राजसमंद राजस्थान में स्थित है। स्टूडेंट इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास की प्रतिमा के अन्य नाम क्या हैं, स्टैचू ऑफ शिवा और विश्वास स्वरूपम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता की प्रतिमा, यह कितने फिट की है? तो बताइए स्टूडेंट, ए 369 फिट, बी 182 फिट, सी 216 फिट या डी 121 फिट। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी समानता की प्रतिमा कितने फिट की प्रतिमा है? स्टैचू इसका सही आंसर होगा 260 फिट यानी 216 फिट। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी संत रामा अनुजाचार्य की प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 216 फीट है। यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि यह विश्व की बैठी हुई दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। पहली बैठी हुई प्रतिमा भगवान बुद्ध की है जो थाईलैंड में स्थित है। स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता की प्रतिमा संत रामा अनुजाचार्य की प्रतिमा है जो 216 फीट है और विश्व की बैठी हुई दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और पहली प्रतिमा भगवान बुद्ध की जो थाईलैंड में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ बुद्धा यानी बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा किस राज्य में है स्थित है? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी असम में या डी मिजोरम में। तो बताइए इसका सही आंसर कि ये कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा ए बिहार में। स्टैचू ऑफ बुद्धा भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में स्थित प्रतिमा है। इसके वास्तुकार मिंटो पॉल हैं। इसकी लंबाई 100 फीट, चौड़ाई 24 फीट और ऊंचाई 30 फीट है और यह बोधगया बिहार में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान की प्रतिमा किस राज्य में बनी है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। स्टूडेंट ये कुछ अलग से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उन्हें और आप देख लीजिए। स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान ये किस में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ सीता माता की प्रतिमा, ये सीतामढ़ी बिहार में स्थित है। स्टैचू ऑफ लॉर्ड कृष्णा ये किस में, किस राजधानी में है? तो यह लखनऊ में है। इन्हें भी ध्यान रखिएगा कि स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान गुजरात में, स्टैचू ऑफ सीता माता सीतामढ़ी बिहार में, स्टैचू ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण लखनऊ में, हाल ही में स्टैचू ऑफ वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उनकी प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है राजस्थान में। ध्यान रखिएगा अभी इनका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, स्टैचू ऑफ वीर दुर्गादास राठौर, इनकी प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजस्थान में। स्टैचू ऑफ अल्लूलरी सीताराम राजू की प्रतिमा का आवरण कहाँ हुआ है? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इनकी प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश में हुआ है। ध्यान रखिएगा स्टैचू ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश में हुआ है जो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन आप लोगों को ईज़िली मिल जाए। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।